एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति और रोमांचक होती जा रही है। यूपी की सियासत में अपनी दमखम रखने वाले प्रतापगढ़ जिले के कूंडा से विधायक और जनसत्ता दल के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी अंतिम चाल चलते हुए मिर्जापुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि राजा भैया का यह ऐलान न केवल मिर्जापुर सीट पर ही बीजेपी को नुकसान करेगा, बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर नुकसान सहना पड़ सकता है। जिन सीटों पर बीजेपी को अब नुकसान हो सकता है उसमें प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और इलाहाबाद सीट शामिल है। दरअसल बीते कुछ दिनों से एनडीए के नेता राजा भैया पर हमलावर नजर आ रहे थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और रामदास अठावले शामिल है। अनुप्रिया पटेल ने कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में चुनाव प्रचार करते हुए राजा भैया पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग गुंडा को अपनी जागीर समझते हैं और ये सुनहरा मौका है उन्हें सबक सिखाने का। वहीं बीते बुधवार रामदास अठावले ने अनुप्रिया पटेल के बयान को सही ठहराते हुए राजा भैया पर निशाना साधा था। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि राजा भैया के खिलाफ बयानबाजी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, और अब वही हुआ है। बता दें कि कुछ हफ्ते पहले राजा भैया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी। तब अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी को राजा भैया का साथ मिल सकता है, लेकिन मुलाकात के कुछ दिन बाद ही राजा भैया ने अपने समर्थकों के बीच ऐलान कर दिया कि वो अपने स्वविवेक से उम्मीदवार को वोट दें। समाजवादी पार्टी को राजा भैया का साथ मिलना किसी बड़े फायदे से कम नहीं है, क्योंकि अब यूपी की जिन 27 सीटों पर मतदान बाकी है वहाँ क्षत्रिय मतदाता प्रभावी हैं और राजा भैया ठाकुरों के बड़े नेताओं में से एक। राजा भैया की पार्टी भले ही एक भी लोकसभा सीट पर चुनाव ना लड़ रही हो, लेकिन चुनावी चर्चा में लगातार वो बने हुए हैं और यही उनकी ताकत का एहसास कराता है।